अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले जा तुझे माफ किया। हे व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि गाइस आप कुछ इस तरह से ट्रेंडिंग ले रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही है, तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह से वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाइस आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप का नाम है काइन मास्टर, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस जो भी इसमें मटेरियल यूज़ होगा उनका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वरना गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, मैं वहाँ पर भी मटेरियल डालता रहता हूँ। तो गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए गाइस, आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना गाइस, फिर आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइज मैंने यहाँ पर काइन मास्टर ऐप ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो गाइज आपको ओपन करने के बाद गाइज आपको डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको ओपन कर लेना है। और गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो गाइज आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको 9:16 की रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। और गाइज सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको करना क्या होगा गाइज, यहाँ पर साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो गाइज आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एडिटिंग पर आना है, एडिटिंग पर आने के बाद गाइज आपको नीचे करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन का नाम है फिल स्क्रीन, तो गाइज आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा गाइज, जो भी हम फोटो सेलेक्ट कर लेंगे वो गाइज ऑटोमेटिकली जूम हो जाएंगे। तो गाइज अब आपको अपने फोटो सेलेक्ट कर लेने हैं, तो गाइज मैं यहाँ से 6 या 7 फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर ये फोटो सेलेक्ट कर लिए हैं, तो गाइज अब आपको करना क्या होगा गाइज, आपको फोटो पर क्लिक कर लेना है। और गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लिप ग्राफिक्स का, तो गाइज आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर एक गाइज एक ट्रांजिशन इफेक्ट गाइज सॉरी क्लिप ग्राफिक्स गाइज आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको करना क्या होगा गाइज, आपको इसमें कॉल मी डीजे गाइज आपको इसमें ऐड कर देना है। तो गाइज मैं सभी फोटो में क्लिप ग्राफिक्स कॉल मी क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज हमने यहाँ पर सभी में क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर दिए हैं, तो गाइज अब आपको करना क्या होगा गाइज, आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद गाइज आपको अल्फा मैट गाइज एक ट्रांजिशन इफेक्ट इसमें ऐड कर देना है। तो गाइज अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो गाइज आपको गेट मोर पर जाना है, और गाइज गेट मोर पर जाने के बाद गाइज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज जब भी आप डाउनलोड करो अपना नेट कनेक्शन ओपन जरूर कर लेना। तो गाइज मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो गाइज आपको इस तरह से इसमें ऐड कर देना है। तो गाइज मैं सभी में इनमें ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो गाइज मैंने सभी फोटो में ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर दिए हैं, तो गाइज अब आपको करना क्या होगा गाइज, आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। और गाइज मीडिया में जाने के बाद गाइज आपको एक बॉर्डर इमेज ले लेना है, और बॉर्डर इमेज लेने के बाद गाइज आपको उसको फुल स्क्रीन कर लेना है। और गाइज फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज आपको ब्लेंडिंग पर आना है, और ब्लेंडिंग पर आने के बाद गाइज आपको यहाँ पर स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको उसकी लेयर को गाइज एंड तक कर लेना है। करने के बाद गाइज आपको फिर से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद गाइज आपको एक लिरिक्स वीडियो ले लेना है। ये लिरिक्स वीडियो गाइज कुछ इस तरह से है, तो गाइज आपको लिरिक्स वीडियो लेने के बाद गाइज आपको ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद गाइज आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है। स्क्रीन सेलेक्ट कर लेने के बाद गाइज आपको फिर से बैक आ जाना है, और बैक आ जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको नीचे साइड यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। और लगाने के बाद गाइज आपको फिर से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद गाइज अब आपको एक
इफेक्ट कलर वीडियो इफेक्टिव वीडियो ले लेना है। लेने के बाद गाइज आपको इसको भी फुल स्किन कर लेना है, और गाइज फुल स्किन करने के बाद गाइज आपको बैक आ जाना है, और बैक आ जाने के बाद गाइज आपको ब्लेंडिंग पर जाना है, और ब्लेंडिंग पर जाने के बाद गाइज यहाँ पर स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइज आपको करना क्या होगा गाइज, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है गाइज आपको उसको इस तरह से कट कर लेना है, कैंची पे जाना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है गाइज आपको इस तरह से कट कर देना है। तो गाइज जो हमारा स्टेटस है वो बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अपनी धड़कन को मेरे दिल से। तो गाइज जैसा कि आपने स्टेटस देखा कितना अच्छा लग रहा है, तो गाइज अगर आप ये स्टेटस अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का, तो गाइज आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा, ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो, और गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।